learners, welcome to English Grammar with Anju Gupta. Today we are going to learn parts of speech. So, सबसे पहले हम समझ लेते हैं speech क्या होती है. Speech means narration. Narration means कथन. कथन. तो जब भी हम कोई कथन कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो हम किसका use करते हैं? Words के combination का, ठीक है? Phrases का, sentences का use करते हैं. Example देखिए. Aman is playing cricket in the field and he is playing it very well. Aman मैदान में cricket खेल रहा है और वह इसे अच्छा खेल रहा है. तो ये कथन हमने कहा, ये statement हमने कहा. तो इस statement में हमने क्या देखा कि ये अलग अलग words का combination है, ठीक है. तो कोई भी statement, कोई भी sentence क्या होता है, अलग अलग words का combination होता है. देखिए Aman. अमन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, मतलब ये क्या है? एक नाउन है. इस क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है. तो इस क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब है. प्लेइंग क्या है? किसी एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ये एक्शन वर्ड है, तो ये क्या हो गया? एक वर्ब हो गया, ठीक है. वर्ब शोज एन एक्शन वर्ड. क्रिकेट क्या है? किसी गेम का नाम है, तो ये क्या हो गया? अगेन एक नाउन हो गया. तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग वर्ड के पार्ट्स से मिलकर बना होता है और इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. लुक एट दीज एट पार्ट्स. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो ये एट पार्ट्स होते हैं और अच्छा होता है कि अगर इनको हम सीक्वेंस में ही याद करें, ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाउन क्या है. कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट जब हम कहते हैं तो वो इन्हीं एट पार्ट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, जो किसी नाम को सजेस्ट करता है. किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे अमन क्या है? किसी का नाम है, तो ये हो गया एक नाउन. क्रिकेट क्या है? किसी स्पोर्ट का, किसी गेम का नाम है, तो ये हो गया एक नाउन. फील्ड क्या है? किसी प्लेस का नाम है, तो ये एक नाउन हो गया, ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा कि ये हो गए नाउन. दूसरा क्या है? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन सर्वनाम यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन की प्लेस पे यूज किया जाता है, ठीक है. नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है. ये पर्सनल प्रोनाउन है. इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ही, देखो अमन. अमन क्या है? एक नाउन है. जब हमको अमन के बारे में आगे कोई और बात कहनी होगी, अमन इज माई फ्रेंड, अमन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, तो हम बार बार तो अमन नहीं बोलेंगे. एक बार हम अमन बोलेंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? वह. वह अमन मेरा फ्रेंड है, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है. तो वह जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो अमन की जगह पे यूज कर रहे हैं. एक बार हम नाम लेंगे और जब वह बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो वह वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? अमन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ही. तो यहाँ पे जो ही वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? अमन के लिए, ठीक है. तो ये क्या हो गया? ही एक प्रोनाउन हो गया. ही क्या हो गया? एक प्रोनाउन. इसी तरह से अगर कोई गर्ल है तो शी यूज करेंगे फीमेल के लिए. इट किसी एनिमल या थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए. इट यूज करेंगे आई. अगर आप अपना नाम ले रहे हैं तो अपने नाम की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? आई. अगर आप सामने वाले का नाम, सेकंड पर्सन का नाम ले रहे हैं तो उसके नाम की जगह पे क्या यूज करेंगे? यू. अगर आपने एक से ज्यादा, अपने साथ साथ एक से ज्यादा लोगों का नाम लिया तो आप क्या यूज करेंगे? वी. दे कब यूज करेंगे? जब आप एक से ज्यादा लोगों का नाम लेंगे, जैसे अमन, मोहन, एंड्रिया प्लेइंग क्रिकेट एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेल, तो उनके लिए यूज किया हमने, ठीक है. तो इस तरह से ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे क्या होते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, हम बाद में देखेंगे, ठीक है. थर्ड है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? दैट टेल्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ये क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है, ठीक है. जैसे गुड. गुड क्या है? किसी की क्वालिटी. जैसे अमन इज
गुड, अमन अच्छा है, तो ये होगी उसकी क्वालिटी। कलर में भी हम बता सकते हैं किसी चीज की क्वालिटी, दिस मार्कर इज रेड, ठीक है। तो हमने कलर बता दिया। किसी का प्रोफेशन भी बता सकते हैं, लाइक माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम किसी की जब क्वालिटी बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं या किसी की क्वांटिटी बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, कोई एक्शन वर्ड जो किसी एक्शन को शो करता है, जो किसी क्रिया के होने, जिससे किसी क्रिया के होने या करने का पता चलता है, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। लाइक रीडिंग, रनिंग, कमिंग, ये क्या हो रहा है, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या उसमें और डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे फास्ट, कोई काम कर रहे, जैसे रनिंग फास्ट, दौड़ना, दौड़ना कैसे, फास्ट, तो दौड़ने में हमने क्या कर दिया, एक एडवर्ब यूज करा, फास्ट, उसकी उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि दौड़ना कैसे, दौड़ना फास्ट, दौड़ना। जैसे इस वर्ब में क्या है, वेल, वेल के आगे हमने वेरी वेल जोड़ दिया, प्लेइंग वेरी वेल, खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इस खेलने की विशेषता क्या हो गई, बहुत अच्छा, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। वेरी वेल क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, दैट टेल्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के अदर पार्ट से उस नाउन का क्या करता है, वो रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पे हमने फील्ड यूज किया, फील्ड क्या है, प्लेस नेम है, एक नाउन है, इसका रिलेशन क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है इन, इन, ये क्या कर रहा है, इस फील्ड का रिलेशन सेंटेंस के बाकी पार्ट से बता रहा है कि अमन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, और कहाँ पे खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है, ठीक है। तो इस फील्ड से रिलेशन बताने वाला वर्ड क्या है, इन, जो कि मोस्टली किसी प्लेस, टाइम और बाकी चीजों को सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे इन क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, संबंध बताना, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, संबंध सूचक। तो किसी भी नाउन के पहले हमेशा ये यूज होता है, ये नाउन है द फील्ड, और उसके पहले हमने ये वर्ड यूज किया है इन, जो कि एक प्रेपोजिशन है, और ये किसी नाउन के पहले यूज होता है, क्या करता है, उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी पार्ट से बताता है। तो ये इन क्या है, प्रेपोजिशन है। इसी तरह से ऑन, एट, बिफोर, ठीक है, ये सारे बहुत सारे प्रेपोजिशन है, वो हम देखेंगे आगे। फिर है कंजंक्शन। जंक्शन मीन्स क्या होता है, एक योजक, ठीक है, योजक नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। कंजंक्शन मीन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, कंबाइंस टू और मोर सेंटेंसेस, ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, लाइक एंड, बट और सो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, अमन क्रिकेट खेल रहा है इन द फील्ड, मैदान में, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज प्लेइंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस को किससे कंबाइन कर दिया गया है, एंड से, ठीक है। तो दो सेंटेंस है, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल, तो इन दोनों सेंटेंस को हमने एंड से कंबाइन कर दिया, तो एंड क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एक्सक्लेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिससे किसी एक्सक्लेमेशन का पता चलता है। एक्सक्लेमिंग मीन्स कि सडन रिएक्शन, ठीक है, जब हम कोई बात सुनते हैं और हमारा एक्सप्रेशन सडन चेंज हो जाता है, जब हम, या फिर जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो सडन हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और जो वर्ड हमारे मुंह से निकलता है वो कहलाता है इंटरजेक्शन। जैसे हमने कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखी, बहुत सुंदर चीज़ देखी, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, ठीक है, तो सडन हमारा एक्सप्रेशन चेंज हुआ और वर्ड क्या निकला, वाओ। तो ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है, ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। हुर्रा, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रा, सडन चेंज होता है एक्सप्रेशन, तो ये भी एक इंटरजेक्शन है। ओ, जब हम कुछ सुनते हैं कि ओ, तो क्या एक्सप्रेशन निकलता है, ओ, तो ये भी एक एक्सक्लेमिंग है।
अलास, जब हम कोई दुख भरी बात सुनते हैं, शोक भरी बात सुनते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? अलास। तो ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इसको हम साथ में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन, वर्ब एंड एडवर्ब का कॉम्बिनेशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हो गए एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे पार्ट्स को एक एक करके डील करेंगे। नाउन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसके पार्ट्स और बाकी सारी चीजें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन दे दिए होते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस दे दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है, जैसे ये सिस्टर लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है। तो सिस्टर क्या है? किसी पर्सन का नाम है, मतलब ये क्या है, क्या है? नाउन है। तो इसी तरह से सेंटेंस में पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो चलिए देखते हैं। स्वीटी इज माई सिस्टर एंड शी इज अ सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीटी क्या है? किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है, मतलब ये नाउन है। इस क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम क्या मान सकते हैं? वर्ब मान सकते हैं। ये को ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब का टाइप है। माय क्या है? माय क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, माय क्या है? एक प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का टाइप है। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे पर्सनल प्रोनाउन है। माय क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। सिस्टर क्या है? पर्सन है, मतलब ये क्या है? नाउन है। एंड, एंड क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस क्या है? स्वीटी इज माय सिस्टर, पहला सेंटेंस है, स्वीटी मेरी बहन है। शी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है, तो ये दूसरा सेंटेंस है। और ये जो वर्ड है एंड, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, शी क्या है? स्वीटी की जगह पे यूज हुआ है, स्वीटी एक नाउन है और इसके नाम की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया? शी। तो शी क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इस क्या है? अगेन एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि वर्ब का ही टाइप है। और क्या है? और क्या है? क्वांटिटी, समझ लो, एक तरह की क्वांटिटी बता रहा है कि वो क्या है, सिंगर है। तो यहाँ पे स्वीटी की क्वालिटी हो गई कि वो क्या है? एक सिंगर है। शी की क्वालिटी क्या हो गई? कि वह एक सिंगर है, क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण, जो कि स्वीटी की विशेषता बता रहा है। ये प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? सिंगर है। ठीक है, रिया लव्स टू प्ले लूडो एंड शी प्लेज इट डेली बट नेवर विंस। अगेन यहाँ पे रिया एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है, लव्स, ठीक है, किसी एक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्या है? एक वर्ब है। टू, टू क्या है? देखिए आगे, टू किसके पहले लगा हुआ है? प्ले, रिया लव्स टू प्ले लूडो। तो यहाँ पे टू देखा जाए तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है? पार्टिसिपल है जो प्ले के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, रिया लव्स टू प्ले लूडो एंड लूडो क्या है? किसी गेम का नाम है, तो ये क्या हो गया? गेम है, गेम का नाम है, मतलब ये नाउन है। एंड, एंड एक कंजंक्शन है। ठीक है, रिया लव्स टू प्ले लूडो, ये पहला सेंटेंस हो गया। शी प्लेज इट डेली, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और इन दोनों सेंटेंस को ये वर्ड जोड़ रहा है एंड, तो ये हो गया कंजंक्शन। शी अगेन रिया की जगह पे यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। प्ले क्या है? एक एक्शन है, प्ले एक्शन को शो कर रहा है, तो ये हो गया एक वर्ब। इट, इट किसकी जगह पे यूज हो रहा है? शी प्लेज इट डेली, वह इसे रोज खेलती है। किसे रोज खेलती है? किसकी बात हो रही थी? इस गेम की बात हो रही थी, लूडो की। ठीक है, तो लूडो की जगह पे, इस गेम की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया? इट। तो इट क्या है? एक प्रोनाउन है। शी प्लेज इट डेली, खेलती है। कैसे खेलती है? डेली खेलती है। ठीक है, खेलती है डेली, तो यहाँ पे खेलने का यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे खेलती है। डेली खेलती मतलब ये क्या है? खेलने की
विशेषता बता रहा है, खेलने को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, खेलना एक वर्ब हो गया और डेली खेलना क्या हो गया, इस वर्ब का मॉडिफिकेशन हो गया, तो ये डेली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। बट अगेन ये कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंजंक्शन है, ये इस सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा है। नेवर विल्स, शी प्लेज इट डेली, वह इसे रोज खेलती है, लेकिन वह कभी नहीं जीती। नेवर विंस, विंस क्या है, वर्ब है, ठीक है, एक्शन को शो कर रहा है, जीतना क्या है, वर्ब है, और इस जीतने की विशेषता क्या हो गई, क्या मॉडिफिकेशन मिल रहा है इसको, नेवर, कभी नहीं, तो कभी नहीं क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब इस वर्ब की विशेषता, वर्ब विंस क्या है, वर्ब है जीतना, और कभी नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वर्ब जीतना को ये जो वर्ड है नेवर वो मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाव इट्स अ ब्यूटीफुल टॉय, वाह कितना सुंदर खिलौना है, तो यहाँ पे वाव सडन एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन है, ठीक है, इंटरजेक्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉय, टॉय की बात हो रही, इट किसके लिए यूज हो रहा है, इस खिलौने के लिए, तो खिलौना एक क्या है, खिलौना क्या है, किसी वस्तु का नाम है, कोई वस्तु है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, टॉय एक नाउन है, और इस नाउन की जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इट इज, इट, तो इट क्या है, एक प्रोनाउन है जो किसकी जगह पे यूज हुआ है, इस टॉय की जगह पे, टॉय के बारे में बात हो रही कि यह एक सुंदर खिलौना है, कौन, टॉय, तो टॉय की जगह पे हमने इट यूज किया, तो इट क्या है, प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और ब्यूटीफुल इस टॉय की विशेषता क्या है, कि ये सुंदर खिलौना है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, जो कि टॉय की विशेषता बता रहे, टॉय एक नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है, कि ये सुंदर है, एक ये जो ए वर्ड यूज हुआ है, ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, ए भी एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव का मॉडिफायर है, ठीक है, ये ए, कोई भी अगर हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ए एन, तो वो एडजेक्टिव का ही क्या होता है, मॉडिफायर होता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। वी कैन लर्न इंग्लिश इजिली बाय प्रैक्टिस, तो वी क्या हो गया, वी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने अपना अपना नाम लिया कि हम सीख सकते हैं, तो हम क्या है, प्रोनाउन है। कैन लर्न, लर्न क्या है, लर्न क्या है, किसी एक्शन एक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और कैन क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, तो ये भी वर्ब का ही टाइप है, कैन क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये क्या हो गया, मॉडल है, जो कि एक वर्ब का ही टाइप है। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, किसी लैंग्वेज का नाम है ये, तो ये क्या हो गया, नाउन। इजिली बाय प्रैक्टिसिंग, तो लर्न सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, ईजिली सीख सकते हैं, सीखने की विशेषता यहाँ पे सीखने को और मॉडिफाई कर रहा है, कि सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं, ईजिली सीख सकते हैं, तो इस सीखने के यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है ईजिली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, सीख सकते हैं आसानी से, कैसे, बाय प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा, तो यहाँ पे बाय अगेन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, जो कि क्या बता रहा है, कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्या है, अगेन एक क्या है, प्रैक्टिस एक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रमन एंड मोहन आर ट्रू फ्रेंड्स, दे मेट इन देयर स्कूल, रमन एंड मोहन, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है ये वर्ड, ये नाउन है, ये भी एक नाउन है, इन दोनों को ये जो वर्ड है एंड ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि वर्ब का टाइप है, ट्रू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, ट्रू, तो ये फ्रेंड्स क्या है, पर्सन है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और कैसे फ्रेंड्स हैं, ट्रू, तो इस फ्रेंड्स की विशेषता क्या बता रहा है, ये वर्ड ट्रू बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, अच्छे सच्चे फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है, कि कैसे फ्रेंड है, सच्चे फ्रेंड है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। दे मेट इन
देयर स्कूल. दे किसके लिए यूज हुआ है? रमन एंड मोहन के लिए. ये दोनों नाउन है और इन नाउन की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया है? दे. तो ये क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया. ठीक है. मेट, मिले, ये एक्शन है तो ये हो गया वर्ब. इन देयर स्कूल, इन मीन्स में, कहाँ मिले? स्कूल में. तो स्कूल के पहले हमने क्या वर्ड यूज किया है? इन यूज किया. देयर भी क्या है? देयर भी क्या है? प्रोनाउन का ही टाइप है. देयर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है. जैसे माई एक पजेसिव प्रोनाउन है, वैसे देयर भी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है. हम टाइप्स देखेंगे आगे. स्कूल, स्कूल एक प्लेस का नाम है, मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया. तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. आपको ये सेंटेंस दे दिया होगा और जैसे आपसे पूछ लेगा कि ये जो वर्ड है इजिली, इस सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है इजिली, ये कौन सा पार्ट है, और आपको ऑप्शन देगा और आपको पहचानना होगा कि इजिली जो है वो क्या कर रहा है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है लर्न की. ठीक है, लर्न एक वर्ब है, हम सीख सकते हैं. और कैसे सीख सकते हैं? ईजिली, आसानी से सीख सकते हैं. तो हमको समझ में आ गया कि ईजिली जो वर्ड है वो क्या है? एक एडवर्ब है. तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने समझ में आ गए होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग. गुड बाय एंड थैंक यू.